टी20 वर्ल्ड कप का आगाज हो चुका है और भारतीय फैंस के लिए वर्ल्ड कप यानी भारत पाकिस्तान का हाई वोल्टेज महा मुकाबला 24 अक्टूबर यानी संडे को एक बार फिर वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। इस मैच पर दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों की नजर है। नोदिस के आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टी20 विश्व कप में कब कब दोनों टीमों का आमना सामना हुआ है और कब पाकिस्तानी अंपायरों ने भारत के साथ बेईमानी की। साथ ही जानेंगे आखिर दोनों टीमों के बीच अब कोई भी द्विपक्षीय सीरीज क्यों नहीं खेली जाती। इस वीडियो में मिलेगा हर एक जवाब, आप बस बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले आपको बताते हैं कि टी20 वर्ल्ड कप में भारत से कब कब हारा पाकिस्तान। दोनों मुल्कों के बीच वर्ल्ड कप क्रिकेट का लंबा इतिहास रहा है। वर्ल्ड कप के इतिहास में 12 बार दोनों टीमों का आमना सामना हुआ है। हर बार भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई है। टी20 वर्ल्ड कप में ये छठी बार होगा जब भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी। साल 2007 में पहली बार दोनों टीमें टी20 वर्ल्ड कप में भिड़ी थी। इस वर्ल्ड कप में दो बार भारत ने पाकिस्तान को करारी मार दी थी। इसके बाद साल 2012 में सुपर 8 में फिर से वो मौका आया जिसका भारतीय फैंस बेसब्री से इंतजार करते हैं। यहां भी पाकिस्तान को हार का ही सामना करना पड़ा। इसके बाद दोनों टीमें फिर से साल 2014 और 2016 टी20 वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज में भिड़ी। यहां भी नतीजा पहले जैसा ही रहा। इन दोनों टूर्नामेंट में भी पाकिस्तान को भारत से मुंह की खानी पड़ी। इसके अलावा 2009 और 2010 टी20 वर्ल्ड कप में दोनों टीमों के बीच कोई मुकाबला नहीं हुआ। टी20 के अलावा दोनों देशों की भिड़ंत वनडे वर्ल्ड कप में भी काफी रोचक रही। वनडे वर्ल्ड कप में भी साल 1992 से शुरू हुआ पाकिस्तान का वो हार का सिलसिला साल 2019 तक पहुंचा और पाकिस्तान को लगातार मुंह की खानी पड़ी। वनडे वर्ल्ड कप में भारत ने 7 बार पाकिस्तान को हराया है। चलिए अब बताते हैं कि पहली बार दोनों टीमों के बीच क्रिकेट की शुरुआत कब हुई थी। पहली बार दोनों टीमों के बीच क्रिकेट कब हुआ? 1952 में ICC से मान्यता मिलने के बाद पहली बार पाकिस्तान ने भारत का दौरा किया। इस दौरे पर भारत पाक के बीच हुई 5 टेस्ट मैचों की सीरीज को भारत ने 2-1 से अपने नाम किया। साल 1978 में दोनों टीमों के बीच पहली बार बायलेटरल वनडे सीरीज खेली गई जो काफी विवादों में रही। दरअसल 3 मैचों की ये सीरीज पाकिस्तान में खेली गई। 2 मैचों के बाद सीरीज 1-1 से बराबर थी, लेकिन फिर तीसरे वनडे मैच में जब भारत को 18 गेंदों पर सिर्फ 23 रनों की दरकार थी तो पाकिस्तानी अंपायरों ने बेईमानी करना शुरू कर दिया। ये देखते हुए भारतीय टीम के कप्तान बिशन सिंह बेदी ने मैच खेलने से ही इनकार कर दिया और सीरीज का विजेता पाकिस्तान को घोषित कर दिया गया। भारत पाक द्विपक्षीय सीरीज का हिसाब किताब। दोनों देशों के बीच अब तक जितनी बायलेटरल सीरीज हुई हैं, उनका हिसाब किताब कुछ इस तरह से है। टेस्ट सीरीज की बात करें तो दोनों के बीच अब तक कुल 15 सीरीज हुई है, जिनमें 4 में भारत तो 4 में पाकिस्तान ने बाजी मारी, जबकि 7 सीरीज में कोई नतीजा नहीं निकला। वहीं दोनों के बीच अब तक 17 वनडे सीरीज हुई, जिनमें भारत ने 5 तो पाकिस्तान ने 11 सीरीज को अपने नाम किया, जबकि 1 बायलेटरल सीरीज ड्रॉ रही। वहीं टी20 में अब तक दोनों देशों के बीच साल 2012 से 13 में सिर्फ 1 टी20 सीरीज हुई जो कि ड्रॉ रही। भारत पाकिस्तान में द्विपक्षीय सीरीज बंद क्यों? साल 1965, 1971 और 1999 में दोनों देशों के बीच सरहद की जंग ने क्रिकेट पर भी रोक लगा दी। इस दौरान देशों के बीच क्रिकेट मैच नहीं खेले गए। फिलहाल बॉर्डर पर दोनों देशों के बीच बिगड़े हालातों की वजह से न तो भारत पाकिस्तान जाकर पाक से कोई द्विपक्षीय सीरीज खेलता है और न ही पाकिस्तान की टीम भारत आती है। दोनों टीमों के बीच आखिरी बार कोई बायलेटरल सीरीज दिसंबर 2012 में खेली गई, जहां पाकिस्तान की टीम भारत दौरे पर वनडे और टी20 मैच खेलने आई थी। वहीं भारत आखिरी बार साल 2006 में पाकिस्तान के दौरे पर गया था। हालांकि साल 2015 से 16 में दोनों देशों के क्रिकेट बोर्ड के बीच पहले श्रीलंका और फिर UAE में बायलेटरल सीरीज कराने की बातचीत चल रही थी, लेकिन काफी चर्चा करने के बाद भी दोनों देश इसे लेकर किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचे। हमारे इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही देश और दुनिया की तमाम मुश्किल खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल नोदिस।